आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा बीते शनिवार 7 दिसंबर को यहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उसी की रिकॉर्डिंग जो है ये खबर है। पूरी खबर को आप जो है यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, साथ ही www.employkhabar.com पर विजिट करके आप इसे जो है पढ़ भी सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पूरे इस खबर के बारे में। तो यहाँ पर पीएमओ तक पहुंची वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़, और 7500 न्यूनतम पेंशन समेत जो है पेंशन धारकों की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग जो है यह खबर है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहां पर जो है बीते शनिवार 7 दिसंबर 2019 को 27 राज्यों से आए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा रामलीला मैदान पर अपनी मांगे, जिनमें कि न्यूनतम पेंशन 7000 समेत अन्य मांगे जो थी उनको लेकर जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया। मैदान में मौजूद सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो थे वो तकरीबन 60 से 80 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग थे, जो कि ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के अंतर्गत आते थे। रामलीला मैदान में महिलाओं ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन धरने में यहां पर भाग लिया था। तो यहां पर जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए जो संघर्षरत समिति एनएसी के द्वारा यहाँ पर पेंशन धारकों की जो मांग है उसको लेकर कुछ पेंशन धारकों समेत और एनएसी के कुछ सदस्य समेत यहाँ पर शुक्रवार को पीएमओ के में जो प्रधानमंत्री ऑफिस में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से यहाँ पर जो है इन्होंने मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है। साथ ही कहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की ओर से पेंशन धारकों की मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और पेंशन धारकों को मोदी सरकार से यहाँ पर जो है बड़ी उम्मीदें हैं। एनएसी के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार 25 जनवरी तक वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे नहीं मानती है तो पेंशन धारक यहां पर देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि यहां पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है इनकी जो डिमांड 7500 रुपये प्रति महीने के साथ महंगाई भत्ते की है, यह जो है कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है। तत्कालीन सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ पर जो है 7 नवंबर 2012 को राज्यसभा में जहाँ पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि और इस योजना के विश्लेषण के लिए यहाँ पर मांग की थी, जिसके बाद 13 नवंबर को उस समय की सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में 10 अन्य सांसदों की एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी की ओर से पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर संपूर्ण विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी, जिसमें कि 3000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी करने की यहाँ पर जो है मांग की थी, न्यूनतम पेंशन 3000 की जो कि सन 2013 में की गई थी, जिसे वर्तमान समय के महंगाई भत्ते के हिसाब से यदि देखा जाए तो 7500 तकरीबन इससे ज़्यादा ही यहाँ पर होता है। तो यही पेंशन धारकों की यहाँ पर मांग है, लेकिन आज लगभग 7 साल हो चुके हैं फिर भी कोश्यारी कमेटी की यहाँ पर सिफारिशें लागू नहीं की गई है। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कि उनकी मांगे जो है यहाँ पर पीएमओ ऑफिस तक पहुँच चुकी है। जो लोग यहाँ पर पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो आंदोलन यहाँ पर किया गया था वो लगभग यहाँ पर जो है अपने अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर पहुँच चुका है। पीएमओ तक इनकी जो है सिफारिशें पहुँच चुकी है। पीएमओ से जो है क्या जवाब यहाँ पर आता है, 25 जनवरी तक का यहाँ पर जो है समय भी सरकार से मांगा गया है, दिया गया है सरकार को। यदि 25 जनवरी तक यहाँ पर जो है कुछ फाइनल निष्कर्ष सरकार की तरफ से पीएमओ की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी नहीं आता है तो फिर यहाँ पर समिति और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का क्या यहाँ पर जो है अंतिम निर्णय होगा, क्या कुछ यहाँ पर नया कदम उठाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो भी नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है आपको एम्प्लॉय खबर पर जरूर अपडेट मिलेगा। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।